أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear SLS students, welcome to online class of mathematics, 7th class. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे. आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है. पेज नंबर 57 ओपन कर लें. ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जो है ना एक्सरसाइज 4.4 जो है वो एंड कर दी थी. आज हम रिव्यू एक्सरसाइज को जो है ना सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाएँ. पेज नंबर 57 है जी. जी आपके पास जो एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, ये सारी आपके पास डेफिनेशन है. ठीक है, आपने खुद से करनी है नीट नोटबुक पर. ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं जी. फिलिंग द ब्लैंक्स आपके पास है. ठीक है, आपके पास 520 by 520 by 520 by 5 कैन बी रिटन इन द एक्सप्रेशन फॉर्म एज 5 exponent 4. ठीक है, ए मल्टी ए पार एन मल्टीप्लाई बाई बी पार एन को हम लिखेंगे ए बी होल पार एन. ठीक है, ए एन डिवाइडेड बाई एन को बी एन को लिखेंगे ए ओवर बी होल पार एन. एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर विद जीरो एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू वन माइनस ए होल पार एक्सपोनेंट जो है वो एन है इज पॉजिटिव इफ एन इज एन इवन. ठीक है, जब एन इवन होगा तो ही जो है ना ये माइनस जो है ना वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, आपके पास ए कहता है डैश इज रीड एज एन एक्स पावर ऑफ एन. ठीक है, तो एन पावर ऑफ ए जो होगा मीन ए की पावर जो है वो क्या होगी एन होगी. ठीक है, एक करेक्ट आंसर. तो आपके पास थर्ड पावर ऑफ फाइव कैन बी रिटन एज 5 exponent 3. थ्री जो है ना सेकेंड वाले का जो है आपके पास आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो अब आपके पास 3 जो है उसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 4 का जो है वो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑड. ठीक है, तो आपके पास दूसरा जो है वो आपके पास आ जाएगा ए. फिफ्थ जो आपके पास क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा सी जो है ना ऑप्शन ए एक्सपोनेंट एम माइनस एन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो डिवाइड है ना तो सब्ट्रैक्ट पावर जो है ना सब्ट्रैक्ट. ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पे. ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं. कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट राइट है. हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, जी तो इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, हमने इसकी माइनस 4 जो है ना इसकी पावर माइनस 3 है तो आपने जो है ना इसको सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी पावर को जो है ना वो पॉजिटिव बनाएंगे. ठीक है, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जो बेस होगी जी, तो अब आपके पास जो है आ जाएगा माइनस 4 है. ठीक है, आप इसे जो है ना 1/4 कर देंगे तो माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमने जो है ना इसकी पावर को जो है ना वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब हम इसकी पावर को फाइंड आउट करेंगे. आपके पास है माइनस की पावर. ठीक है, माइनस की पावर 1/4 की पावर 3 है तो आपने माइनस 1/4 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवा. ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो देखते हैं क्या आता है आपके पास. जी, तो 1 - 1/4 मल्टीप्लाई बाई -1/4 मी. ठीक है, तो आपके पास जो है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 1 * 1 एंड 4 * 4 = 16. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -1/4 है. अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे. ठीक है जी, अब आपके पास आ जाएगा 1 * 1 = 1. ठीक है, ये प्लस का है आपके पास और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस. ठीक है, 16 * 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64. तो यही आपके पास क्या है आपका आंसर. ठीक है, आगे हम देखते हैं जी. आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर हम पार्ट नंबर जो है वो करते हैं 3 2 पार 2 की एक्सपोनेंट -9. ठीक है, पार्ट नंबर हम जो है ना वो 3 करते हैं. ठीक है, 2 पार माइनस. ठीक है, इसको सबसे पहले जो है हम सॉल्व करते हैं. क्या आएगा सॉल्व करने के बाद हमारे पास. अब हमारे पास 2 की जो एक्सपोनेंट है वो -9 है तो हमारे पास इसको जो है ना वो पॉजिटिव बनाने के लिए हम 2 को जो है ना वो डिनोमिनेटर में ले आएंगे और इसकी पावर क्या बन जाएगी प्लस के 9 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास जो है आ जाएगा. ठीक है, 1/2 + 9 है तो 1/2 को आपने आपस में कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है 9 टाइम. ठीक है, तो 9 टाइम्स हम आपस में इसको क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई. ठीक है, कितनी टाइम्स हो गए 1 2 3 4 5 एंड
सिक्स ठीक है। तो हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं। आगे अगेन हमारे पास ये 9 टाइम्स हमने राइट कर लिया ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास देखते हैं जी क्या आता है ठीक है। ये देखें ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है। क्या आ जाएगा 1/2 ठीक है। ये वाले आपने मल्टीप्लाई करवा लिए ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई ये भी 1/4 आ जाएंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1/4 आ जाएंगे ठीक है। और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 1/4 ठीक है। अब हमारे पास आगे देखते हैं क्या बनता है ठीक है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 एंड मल्टीप्लाई बाई 1/4 ठीक है जी। अब आपके पास हम जो है ना 16 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो आपके पास 256 आ जाएगा ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1/4 आपके पास आ जाएगा 1/2 ठीक है। ये 2 है आपके पास कर लीजिए ठीक है। तो ये 2 आ गए जी। अब आपने जो है वो 256 को जो है आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आ जाएगा 512 ठीक है। तो यही आपके पास क्या है आपका आंसर ठीक है। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर हम देखते हैं जी 5। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है जी। पार्ट नंबर 5 कहता है 3/10 ठीक है एंड होल पार आपके पास है एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 3 है ठीक है। इसको सॉल्व करें जी। सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा देखते हैं 3/10 होल पार 3 है ठीक है। मीन 3/10 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 मल्टीप्लाई बाई 3/10 ठीक है। ये दोनों जो है ना हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा लिए ठीक है। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास क्या आ जाएगा 27 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा ठीक है। तो ये आपके पास जो है 27 ठीक है। तो यही आपके पास क्या है आपका आंसर आपका ठीक है। जब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं वो आपने तो 3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे आपने वो से देखना है तो उसके पार्ट नंबर 1 आपके पास है। पार्ट नंबर 1 कहता है कि -7 एक्सपोनेंट 3 एंड होल एक्सपोनेंट इज 6 इक्वल है 7 एक्सपोनेंट एक्स ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो आ जाएगा आपको पता है ठीक है कैसे करना है -3 ठीक है -7 ठीक है। तो ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 आपके पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा ठीक है। इक्वल 7 पार आपके पास x आ जाएगा ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है ठीक है। वो बात ये है कि आपने 6 में भी पढ़ा है कि अगर माइनस की जो एक्सपोनेंट और माइनस की जो एक्सपोनेंट होती है वो अगर इवन हो आपके पास ठीक है माइनस की पावर अगर इवन हो तो आपके पास माइनस जो होता है वो प्लस में चेंज हो जाएगा ठीक है। अब ये प्लस में हमारे पास चेंज होगा तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है हमारे पास ठीक है। सेवन पार 18 इक्वल है 7 एक्सपोनेंट एक्स है ठीक है। तो ये 7 से खत्म हो जाएगा तो 18 इक्वल आ जाएगा x का ये आपके पास वैल्यू आ गई आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। यही आपके पास क्या है आपका आंसर आ गया ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर जी। अब हम इसका पार्ट नंबर देखते हैं जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 3 कहता है 13/8 ठीक है एक्सपोनेंट 4 एंड होल एक्सपोनेंट इज अगेन ठीक है जी इक्वल आपके पास है 13x/8x ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा
अब आपके पास 13/8 4 पार, ठीक है, ये जो आपके पास 4 है ये 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने लॉ पढ़ा था ठीक है एक्सरसाइज में, 4 × 4 = 16 इक्वल आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये 13/8 है, ठीक है 13x/8x है, ठीक है, जिन देखें इनकी ये डिवीजन में है तो पावर जो है वो क्या है आपके पास एक जैसे है, तो आप इन्हें 13/8 आप क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 13/8 ^16 = 13/8 ^x, तो ये 13/8 से कैंसिल हो जाएगा, हमने बेसिस को जो है ना वो बिल्कुल एक जैसा बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 16 = x, तो यही आपके पास क्या है आपका आंसर आ गया, हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली थी, ठीक है। तो अब हमारे पास देखते हैं इसका पार्ट नंबर फाइव देखते हैं जी, पार्ट नंबर फाइव आपके पास क्या है जी, पार्ट नंबर फाइव आपके पास है, पार्ट नंबर फाइव आपके पास है, कहता है कि 2/9 ^(2/9) = 2/9 ^(2x-1, ठीक है जी, आपके पास एक्सपोनेंट आ, अब आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है जी, सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/9 ^(2/9) = 2/9 ^(2x-1, ठीक है। जी अब आपको पता है कि बेसिस एक जैसी हों और पावर्स जो हैं और साइन जो है वो उनके दरमियान डिवाइड का हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 - 9 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या बनेगा जी, बहुत ही सिंपल, 2/9 (2 - 9), तो -(-), 9 में से 2 गए तो आपके पास 7, लार्ज मैंने के साथ माइनस है तो माइनस आ जाए, ठीक है, तो 2/9 एंड एक्सपोनेंट इज 2x-1, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, जो बेसिस है ये एक जैसी है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा -7 = 2x-1, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा -7 जो है वो इधर ही रहे, ये -1 जो है, ठीक है, ये -1 ये इस साइड पे आ गए, इक्वल के साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल आपके पास आ जाएगा 2x, तो -7 + 10 - -7 में से 1 = 6, लार्ज न्यूमेरिक के साथ जो है वो माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, 7 के साथ माइनस है तो इक्वल आपके पास आ जाएगा 2x, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा -6 = 2x, 2 को बोथ साइड पे क्या कर देंगे डिवाइड, 2 से कैंसिल, 2 1 टाइम देन 2 3 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा -3 = x, तो यही आपका क्या है आंसर आ गया, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी आपके पास आ गई जी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन सिंपल फॉर्म, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने राइट कर दिया है, इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। जी आपके पास -3 ये जो आपके पास सबसे पहले जो है वो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट आपके पास जो है जी आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है, आप देखें कि ये -3/4 है, ये भी -3/4 है, बेसिस एक जैसी हैं और दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो आपके पास जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, आप पावर्स जो हैं वो आपस में आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, 2 + 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास -3/4 है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है 2 × 2, ठीक है, तो इसकी पावर आपके पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास क्या आएगा जी, अब आपके पास आ जाएगा, अब देखें कि -3/4 (2 + 3) 5 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय -3/4
एंड होल एक्सपोनेंट इज 4। ठीक है, आपके पास देखेंगे आपके पास जो है ना माइनस थ्री ओवर 4 और माइनस थ्री ओवर 4 बेसिस दिख जाते हैं, तो आप बेसिस को जो है ना वन टाइम राइट करें और दरमियान में साइन देखेंगे साइन कौन सा है डिवाइड का, तो मीन आपके पास एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है जी, माइनस थ्री ओवर 4 और एक्सपोनेंट 5 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा, तो आपके 5 माइनस 4 1 होता है, तो आप पावर 1 को जो है ना वो नहीं लेते होते। ठीक है, तो माइनस 3 ओवर 4 ही आपके पास क्या आ गया आपका आंसर आ। ठीक है जी, तो आपके पास अब पार्ट नंबर 3 हमने राइट किया, पार्ट नंबर 3 आपके पास जो है ना हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं जी कैसे सॉल्व होता है ये 18। ठीक है, बेसिस जो है आपके पास अगेन जो है वो बिल्कुल सेम है, बेसिस वन टाइम राइट करेंगे आप। ठीक है, और दरमियान में साइन कौन सा आपके पास डिवाइड, तो आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और होल पार जो है एक्सपोनेंट आपके पास 5 है। ठीक है, तो अब आपके पास 18 ओवर 11। ठीक है, और आपके पास 18 और 11 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास क्या हो जाएंगे 4। ठीक है जी, अब आपके पास आ जाएगा 18 ओवर 11 3 माइनस 2 1 5 डिवाइडेड बाई 18 ओवर 11 एक्सपोनेंट इज 4। ठीक है, अब आपके पास ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आ जाएगा, 18 ओवर 11 एक्सपोनेंट इज 5 डिवाइडेड बाय 18 ओवर 11 एक्सपोनेंट इज 4। आपके पास आंसर आ जाएगा, देखिए अभी आपके पास दोबारा एक्सपोनेंट एक जैसे है 18 ओवर 11 दरमियान में साइन जो है वो डिवाइड का है, तो आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट हो गई आपके पास। ठीक है, और आप जो है तो राइट कर लें। ठीक है, 18 ओवर 11 है, तो 18 ओवर 11 ठीक है एक्सपोनेंट 5 माइनस 4 1। ठीक है, तो 1 एक्सपोनेंट जो है ना वो लिखने की जरूरत नहीं होती, यही आपके पास क्या आ गया आपका आंसर आ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जी, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो है वो राइट करते हैं हम, पार्ट नंबर जो है वो 5 जो है वो राइट करते हैं हम, ये जो पार्ट नंबर 5 जो है वो हमने राइट कर लिया है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 जो है वो राइट हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं जी, आपके पास 1/10 1/10 आप देखिए ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, तो ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा एक्सपोनेंट 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, आपके पास ये 1/10 है, ये 6 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 18। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास 1/10 बेसिस एक जैसी है। ठीक है, और दरमियान में आपके पास क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 माइनस 18। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है डिवाइड है। ठीक है, वैसे तो सारी जैसे हमने राइट कर दिया, यहाँ पर डिवाइड है, साथ में क्या आ जाएगा माइनस के 25 आ। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, 1/10 ठीक है 6 प्लस 18 आपके पास कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24 माइनस 25। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा 1/10 24 माइनस 25, तो माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस माइनस 1 को जो है ना ये जो एक्सपोनेंट है इसको जो है पॉजिटिव बनाना है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बेस होती है हम उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, मीन नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, इसको 10/1 कर।
तो ये इसकी पावर क्या आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिखना चाहें तो अब आप इसको तरह लिख सकते हैं 10, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके जो बच्चे बाकी पार्ट्स हैं दो, वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है, नीट नोटबुक पर, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।